अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने दो नए चैनल शुरू किए हैं, जिसमें एक 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और दूसरा की टू सक्सेस है। टीचर्स ऑनलाइन को बनाने का मकसद आप लोगों के जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर आप लोगों तक पहुँचाए जा सकें, और की टू सक्सेस बनाने का मकसद ये है कि जो आपके एग्ज़ाम हैं, जिसमें आपका मिड टर्म है और फाइनल टर्म है, उसकी तैयारी के हवाले से भी मैं आपको तैयारी करवा सकूं। तो आप इन दोनों चैनल्स पे ज़रूर जाएं और इस पे जो मटेरियल अवेलेबल है उससे भी फ़ायदा उठाएं और साथ मुझे भी सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग दीज थ्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है वो CA 403 डेटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, हमारी जो असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है उस हवाले से है। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर जो है हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये असाइनमेंट जो है हमारी फर्स्ट असाइनमेंट की कंटिन्यूएशन है और उसी से आगे हम जो है इसको कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो क्या है, कन्वर्ट द अबव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये जो आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नज़र आ रही है जो हमने पिछली असाइनमेंट के अंदर बनाई थी, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंटिटीज एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन टू द रिलेशनल डेटा मॉडल। हमने जो है इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर दिस असाइनमेंट इज द कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। हमने ये जो नीचे टेबल दिए गए हैं इसमें फार्मिस्ट का है, मेडिसन का है और शेल्फ का है। इन तीनों टेबल्स को हमने क्रॉस मैट्रिक्स करना है, शेल्फ, मेडिसन एंड फार्मिस्ट को। तो इसमें हमने जो है इन तीनों टेबल्स का क्रॉस मैट्रिक्स बनाना है। इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो ये है, फाइंड द डिग्री एंड कार्डिनेलिटी ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन इन द क्वेश्चन 2। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 टेबल दिए गए हैं, फार्मिस्ट का, मेडिसन का और शेल्फ का, इसकी हमने डिग्री भी बतानी है और इसकी हमने कार्डिनेलिटी भी बतानी है। और नीचे इसका फॉर्मेट दिया गया है, इसमें टेबल है, कार्डिनेलिटी है और डिग्री है। और पहले जो है वो फार्मिस्ट का बताया गया, फिर मेडिसन का और फिर शेल्फ का, हमने तीनों की जो है वो कार्डिनेलिटी भी बतानी है और डिग्री भी बतानी है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है वो हमें दिया गया, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ मेंशन टेबल एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। इसमें हमें सिलेक्ट का दिया गया है और दूसरा एक ऑपरेटर दिया गया है। इसमें एड्रेस इक्वल्स इस्लामाबाद फार्मिस्ट का कहा गया है और उसके बाद जो है हमें मेडिसन आईडी, नेम, एक्सपायरी डेट और उसमें हमने सेलेक्ट करना है प्राइस लेस देन आर इक्वल टू 20 मेडिसन के टेबल से। तो ये हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और दोस्तों, इसमें हमें आखिरी क्वेश्चन दिया गया है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन टेबल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन एंड राइट द आउटपुट। हमने जो है इन दोनों टेबल्स को देखना है। इसमें हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड का टेबल है जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट का बताया गया, और दूसरा हमारे पास जो टेबल है वो शेल्फ का है। अब इसमें हमने शेल्फ यूनियन लेना है क्रेडिट के साथ और क्रेडिट कार्ड माइनस करना है शेल्फ के साथ। ये हमने दो बाइनरी ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाने हैं और यही हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने 24/7 टीचर्स ऑनलाइन एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप उस पर जाएं और उन लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था रिलेशनल डेटा मॉडल का। हमने जो है जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमें बनाई हुई दिखाई गई थी उसको हमने जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना था। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से एंटिटीज अलग करेंगे और फिर उनके एट्रीब्यूट्स अलग करेंगे।
उनको अलग करने का तरीकाकार क्या है? अब इसमें देखें, पहली जो एंटिटी है वो हमारे पास यूजर की है, दूसरी जो एंटिटी है वो हमारे पास फार्मिस्ट की है, तीसरी जो एंटिटी है वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की है, इसमें चौथी जो एंटिटी है वो हमारे पास ऑर्डर्स की है, पांचवी जो एंटिटी है वो हमारे पास मेडिसिन की है, इसके बाद हमारे पास छठी जो एंटिटी है वो शेल्फ की है, इसके बाद हमारे पास जो सातवीं एंटिटी है वो पेमेंट की है, आठवीं एंटिटी जो है वो हमारे पास शॉपिंग कार्ड की है, और आखिर में 9 नंबर पे जो एंटिटी है वो हमारे पास क्रेडिट कार्ड की है। दोस्तों, ये सारी एंटिटीज आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ से ड्रा की हैं, ये सारी की सारी एंटिटीज जो हमें क्वेश्चन के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दी गई है उसके अंदर जो हमें बॉक्स की शक्ल में एंटिटीज दी गई हैं, ये वही सारी की सारी एंटिटीज हैं और मैंने इनको यहाँ पे वन बाय वन लिख लिया है। अब इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें इसके एट्रीब्यूट लिखने पड़ते हैं। तो अब मैं बारी बारी जो है आप लोगों के साथ इसके एट्रीब्यूट शेयर करता हूँ। ये एट्रीब्यूट भी मैंने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से ही उठाए हैं। अब यूजर वाले टेबल में देखें, यूजर आईडी इसकी प्राइमरी की हो जाएगी, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर एड्रेस और यूजर कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मिस्ट की है, फॉर्मिस्ट आईडी आ जाएगा, फॉर्मिस्ट नेम आ जाएगा, फॉर्मिस्ट पासवर्ड आ जाएगा, फॉर्मिस्ट नंबर और फॉर्मिस्ट एड्रेस आ जाएगा। इस तरह प्रिस्क्रिप्शन की है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी और इमेज यूआरएल आ जाएगा जो उस प्रिस्क्रिप्शन का इमेज होगा। इसके बाद ऑर्डर की है, ऑर्डर आईडी आ जाएगा, ऑर्डर मेडिसिन आ जाएगा, ऑर्डर डेट आ जाएगा, ऑर्डर टाइम और टोटल प्राइस आ जाएगी उस ऑर्डर की। इसके बाद हमारे पास मेडिसिन का है एक टेबल या मेडिसिन की एंटिटी है। अब मेडिसिन की एंटिटी के अंदर मेडिसिन आईडी है, मेडिसिन नेम है, मेडिसिन की प्राइस है और मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है। इसके बाद इसी तरह शेल्फ है, शेल्फ में देखें शेल्फ आईडी और शेल्फ नंबर है। इसी तरह हमारे पास पेमेंट का एंटिटी है, पेमेंट में हमारे पास पेमेंट आईडी है, पेमेंट स्टेटस है, कार्ड नंबर है, अमाउंट है, डेट है और टाइम है। इसके बाद शॉपिंग कार्ड की है, अब शॉपिंग कार्ड के अंदर हमारे पास शॉपिंग कार्ड आईडी है, कार्ट आइटम है कि कितने उसके अंदर आइटम है और अमाउंट आ जाएगी, और आखिर में क्रेडिट कार्ड की है तो क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाएगा और क्रेडिट कार्ड की हमारे पास एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है अपनी एंटिटीज को भी लिख सकते हैं और उसके साथ आगे उसके मैंने एट्रीब्यूट लिख दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बन जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी इस असाइनमेंट की वो था क्रॉस मैट्रिक्स। क्रॉस मैट्रिक्स के अंदर हमें 3 टेबल दिए गए हैं और उसमें हमें बताया गया फार्मिस्ट का, मेडिसिन का और शेल्फ का। ये हमने इन तीनों का क्रॉस मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे एंड में आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें मैंने जो है पहले देखें शेल्फ को लिखा है, फिर मेडिसिन को और फिर फार्मिस्ट को। अब देखें, जब हमने शेल्फ लिखा है तो सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट शेल्फ आईडी और शेल्फ नंबर। अब देखें, शेल्फ आईडी पे मैंने ओके कर दिया है, शेल्फ नंबर पे मैंने ओके कर दिया, तो ये इसका एक क्रॉस मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद मैंने दूसरा टेबल लिया मेडिसिन का। मेडिसिन में देखें, मेडिसिन आईडी है, नेम है, प्राइस है और एक्सपायरी डेट है। यहाँ पर वही कि आपका मेडिसिन आईडी, मेडिसिन नेम, प्राइस और एक्सपायरी डेट, इन तीनों ये जो आपके कॉलम है, नंबर तो इसके अंदर मेडिसिन में भी है, शेल्फ में भी है और आपके पास जो है फॉर्मिस्ट के भी अंदर है, तो ओके मैंने लिख दिया है। इसी तरह जो मेडिसिन आईडी है वो सिर्फ मेडिसिन के टेबल पे है, इसलिए हमने यहाँ पे ओके लिखा है। नेम है, अब नेम देखें आपके पास जो है वो मेडिसिन के टेबल में भी है, शेल्फ के टेबल में नहीं है, तो इसलिए हमने वहां ओके नहीं लिखा है। इसी तरह आपके पास जो नेम है वो आपके पास फॉर्मिस्ट के टेबल के अंदर भी दिया हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पे ओके कर दिया। प्राइस है वो आपके मेडिसिन के टेबल के अंदर है, इसलिए वहां पे ओके किया है। एक्सपायरी डेट वो भी आपके मेडिसिन के टेबल के अंदर है, इसलिए वहां पे ओके लिखा है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मिस्ट का है, फॉर्मिस्ट के 3 आइटम है, फॉर्मिस्ट आईडी है, नेम है और एड्रेस है, तो यहाँ पे देखें नेम पे मैंने ओके लगाया है और फिर ओके लगाया है क्योंकि हमारे पास मेडिसिन के टेबल के अंदर भी नेम है और आपके पास फॉर्मिस्ट के टेबल के अंदर भी नेम है, तो इसलिए ओके कर दिया। एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉर्मिस्ट के टेबल के अंदर है, बाकी किसी टेबल के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओके लगा दिया है। और इस तरीके से आपकी ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है क्रॉस मैट्रिक्स की, वो भी पूरी हो जाती है और ये नीचे जो है आपको क्रॉस मैट्रिक्स एक नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप जो है यहाँ पे चेक का ओके की बजाय चेक भी लिख सकते हो, CHEFK, या वो गुड का जो निशान होता है वो भी लगा सकते हो। तो आप कोई भी मतलब यूज कर लें, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक बने और कॉपी केस ना बने।
इसके बाद दोस्तों हमारी आ जाती है तीसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट में हमें कहा गया कि हमने जो है वो डिग्री बतानी है और कार्डिनेलिटी बतानी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 टेबल दिए गए हैं हमें, फॉर्मिस्ट का, मेडिसन का और शेल्फ का, इन तीनों की। अब हमें सबसे पहले सीखना ये जरूरी है कि डिग्री क्या होती है और कार्डिनेलिटी क्या होती है। इसके लिए यहाँ पे देखें, डिग्री के सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कॉलम और कार्डिनेलिटी के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है रो। इसका मतलब ये है कि जब आप डिग्री लिख रहे होंगे तो आप उस टेबल के कॉलम को लिख लेंगे, जब आप कार्डिनेलिटी लिख रहे होंगे तो आप उस टेबल की रो को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। उस टेबल के अंदर देखें, सबसे पहला जो टेबल है वो फॉर्मिस्ट का है। फॉर्मिस्ट के टेबल के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो कार्डिनेलिटी है। कार्डिनेलिटी का मतलब रोव। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ 3 रोव हैं, 1, 2, 3, जिसके अंदर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची लिखा हुआ है। तो फॉर्मिस्ट के टेबल की जो कार्डिनेलिटी है वो हमारे पास रोव 3 है और डिग्री भी 3 है, क्योंकि फॉर्मिस्ट आईडी, नेम और एड्रेस, इसके कॉलम भी 3 है। तो मैंने 3 और 3 ही डिग्री के अंदर लिख दिया है। इसी तरह आप आगे मेडिसन का टेबल है, मेडिसन के अंदर देखें, हमने सबसे पहले कार्डिनेलिटी देखनी है। तो कार्डिनेलिटी जो है वो हमारे पास रोव है 3 है और जो डिग्री है वो कॉलम है वो हमारे पास 4 है। तो इसलिए यहाँ पे कार्डिनेलिटी 3 और डिग्री जो है वो मैंने 4 लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास अगला जो टेबल है वो हमारे पास है शेल्फ का। अब शेल्फ वाले टेबल के अंदर देखें, हमारे पास जो है हमने सबसे पहले कार्डिनेलिटी देखनी है, वो हमारे पास 3 है क्योंकि इसकी रोव 3 है, कॉलम हमारे पास 2 है और ये इसकी डिग्री है। तो ये हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है हर टेबल के जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं, फॉर्मिस्ट का, मेडिसन का और शेल्फ का, उसकी हमने कार्डिनेलिटीज बतानी है और डिग्रीज बतानी है। तो ये इस तरीके से फॉर्मिस्ट का 3/3 है, मेडिसन का 3/4 है और शेल्फ का 3/2 है। तो ये हमने डिग्रीज और कार्डिनेलिटीज बताई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था दोस्तों, हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेशन था वो था सेलेक्ट ऑपरेटर का। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें जो है मैंने आपके की टू सक्सेस है जिसका नाम, इसके ऊपर मैंने आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से जो है मटीरियल अपलोड करना है। तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। और इंशाल्लाह आपको जो है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। ऑलमोस्ट कोई 15 सब्जेक्ट के मैंने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं। तो आप इन दोनों चैनल से भी जरूर फायदा उठाएं। आगे था हमारा सेलेक्ट ऑपरेटर। अब सेलेक्ट ऑपरेटर का सबसे पहले ये सिंबल उसकी नजर आ रही है, सेलेक्ट ऑपरेटर करता क्या है। सेलेक्ट ऑपरेटर ये करता है, ये किसी भी टेबल से जो चीज आप सिलेक्ट करेंगे वो उसको उठा लेगा। अब यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है, इसे हम अलजेब्रिक भी कह सकते हैं या बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सिलेक्ट एड्रेस, आपने एड्रेस को सिलेक्ट करना है, इक्वल्स इक्वल्स इस्लामाबाद, आपने इस्लामाबाद वाले एड्रेस को उठाना है। कौन से टेबल से उठाना है वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फॉर्मिस्ट का। अब देखें, फॉर्मिस्ट का ये टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास 3 ही कॉलम है और 3 ही रोव है, मतलब इसकी डिग्री 3/3 है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले अहमद और लाहौर है, ताहिर और इस्लामाबाद है और अतर और कराची है। अब देखें, एड्रेस इसमें से हमने ये वाला एड्रेस वाला कॉलम लेना है और उसके अंदर जहां पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है ये सेकंड रो के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हमने रो सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली यही करता है। अब यहाँ पे देखें, फॉर्मिस्ट आईडी जो है PH002, नेम ताहिर और आगे एड्रेस जो है वो इस्लामाबाद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद अगला जो ऑपरेटर था हमारे पास वो हमारे पास सेलेक्ट प्रोजेक्ट का ऑपरेटर था। अब प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर भी आपका उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। अब इसकी जो इक्वेशन थी वो थी प्रोजेक्ट मेडिसन आईडी, कि यहाँ से मेडिसन आईडी उठाओ, साथ उसमें नेम उठाओ, साथ उसके एक्सपायरी डेट उठाओ, इन तीनों कॉलम्स को उठाओ। इन तीनों कॉलम्स में भी फिर आगे एक और इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर सेलेक्ट ऑपरेटर भी यूज किया गया, सेलेक्ट प्राइस लेस देन इक्वल टू 20,
कि आपने वो मेडिसन आईडी उठानी है, वो नेम उठाना है, वो एक्सपायरी डेट उठानी है जिसकी जो प्राइस है वो 20 के बराबर है या 20 से कम है। अब यहाँ पे देखें, पेनाडॉल 20 है, डिस्प्रीन 20 है और ब्रूफिन 40 है। हाँ, हमने 20 या 20 से कम वाली प्राइस उठानी है, तो मतलब ये वाली दो रो सिलेक्ट होंगी ऊपर वाली। तो यहाँ पे भी देखें, आपको जो टेबल नजर आ रहा है इसके अंदर देखें, पेनाडॉल 20, 20 और एक्सपायरी डेट आ गई और डिस्प्रीन की आपकी वही 20 और एक्सपायरी डेट आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन में दोस्तों हमने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन और की टू सक्सेस को जरूर विजिट करें और उन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हुए मुझे जैसे आपने इस चैनल में सपोर्ट किया है वहां पे भी सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। यहां पे हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक शेल्फ यू क्रेडिट कार्ड का है, ये जो है नॉट पॉसिबल बिकॉज एट्रीब्यूट नॉट मैच, के इन दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते, इसलिए ये वाला जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए इसी तरह आपके पास क्रेडिट का अगला जो ऑपरेशन था वो था आगे क्रेडिट कार्ड माइनस शेल्फ का, तो ये आपका जो है ये भी परफॉर्म नहीं हो सकता, और उसकी भी वजह यही है कि इन दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते। तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CF403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। दोस्तों मोफिन भाई को दुआओं में याद रखें, और आखिर में मैं फिर यही आप लोगों को कहूंगा कि आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर जाइए, जिसका यूआरएल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और वहां पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDP सोल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।